नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 12th के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। मैं अभी आप सभी को क्वेश्चन बैंक 2009 से लेकर 2019 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं उन सभी का सोल्यूशन अच्छी तरह से ट्रिकली तरीके से करा रहा हूँ। ये वीडियो का पार्ट नंबर हमारा 17 है, यानी कि 17। यदि वीडियो का पार्ट नंबर 1, 2, 16 यानी कि 1 से लेकर 16 तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल आइडियल स्टडी पॉइंट पर अवश्य विजिट करें और एक एक वीडियो के पार्ट को अच्छी तरह से देखें और अपना प्रिपरेशन एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह से करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने एग्ज़ाम में स्कोर करें। तो ये चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है और ये जो क्वेश्चन लिए हुए हैं 2012 से, ठीक है ना। 2012 का जो पेपर है उसका मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है ना। ये 2012, तो ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, वीडियो का पार्ट नंबर हमारा 17 है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x बराबर π/2 तो x का मान क्या होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, अगर मैं ऑप्शन से करूँगा तो बहुत ही ईजिली कर सकता हूँ, तो हम ऑप्शन से ही करेंगे क्योंकि हमको आसानी से जल्दी में ना क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम x के मान यहाँ पे क्या ले लेते हैं, पहले मैं 0 लेकर चेक करता हूँ। तो चलिए हम LHSEA वाला लेकर चलता हूँ। अगर हम x का मान अगर ये 0 पुट करता हूँ और पुट करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद हमारा RHS का मान अगर π/2 आ जा रहा है तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। चलिए करके देखता हूँ। तो हम x बराबर 0 ले ली, तो देखिए यहाँ पे 0, जहाँ पे x है 0 कर दिया, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 बचेगा। तो साइन इनवर्स 1 कितना का मान होता है, π/2 का, और यहाँ पे 2 और ये साइन 0 यानी कि क्या 0 हो जाता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा यानी π/2। यानी कि आप देख रहे हैं कि x बराबर 0 पर हमारा ये शर्त लागू कर रहा है, यानी कि RHS बराबर आ जा रहा है। हम थोड़ा सा 1/2 दिख रहा है ना ऑप्शन में, उसको भी थोड़ा चेक कर लेता हूँ। तो चलिए 1/2 ले रहा हूँ, ले लिया। तो देखिए यहाँ पे 1 में से 1/2 घटेगा तो 1/2 होगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब मान पुट करेंगे। तो ये किसका मान होता है, π/6। साइन इनवर्स 1/2 कितना का मान होता है, π/6 का। यहाँ भी π/6 कर दिया। कैलकुलेशन करने के बाद हमारा क्या आ रहा है, -π/6 आ रहा है, लेकिन हमारा क्या बताया गया था उधर RHS, ये π/2 था, ये तो नहीं लागू कर रहा है ना, इसलिए 1/2 हमारा आंसर नहीं हो सकता है। यानी कि आंसर हमारा कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 0, ठीक है ना। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, x का मान। अगले सवाल को देखते हैं। तो ये देखिए हमारा अगला सवाल क्या कहा जा रहा है कि यदि ए जो दे रहा है, इसका मैट्रिक्स ए आई जे कोटि दे रहा है, m गुने n एक वर्ग आव्यूह है, तो वर्ग आव्यूह कब होता है, जब कोटि बराबर है ना, यानी कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होता है तो उसको हम लोग वर्ग आव्यूह कहते हैं। यानी कि हमारा m बराबर क्या होना चाहिए था, n होना चाहिए था। तो देखिए ऑप्शन में पहला ही दिखता रहा है आपका, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, m बराबर n, यानी कि रो की संख्या बराबर कॉलम की संख्या बराबर होता है तभी हम उसको वर्ग आव्यूह कहते हैं। अगले सवाल को देखते हैं। तो ये देखिए हमारा अगला सवाल क्या कहा जा रहा है कि यदि ए और बी वर्ग आव्यूह है तो ए बी पूरक बोल रहा है ना, इसको ट्रांसपोज बोल रहा है, तो इसका ट्रांसपोज जो होता है अपोजिट हो जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये इसके बराबर होता है, ये तो सूत्र ही होता है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल, यदि ए बराबर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा है तो सहखंड ए का बोल रहा है, तो बस सहखंड करना है, तो क्या करना है, ये देखिए रो को कॉलम में चेंज कर लीजिए, रो का कॉलम में यहाँ पे कहाँ दिख रहा है आपको, कॉस माइनस साइन यहाँ दिख रहा है, साइन कॉस, तो देखिए साइन कॉस, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखते हैं। तो ये देखिए हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 जो है, यदि ये दिया गया है, ठीक है ना, ये डिटर्मिनेंट दिया है तो इसको x का मान पूछा जा रहा है, तो करना क्या है, इसको इसमें गुना करिए, तो 6 में x से करिएगा तो क्या हो गया, 6 हो जाएगा ना, 6 में x से तो 6 और माइनस x में 6 से तो माइनस 6x, 18 × 36 सूत्र में माइनस होता है, 6 में 6 से 36 और 18 × 36 ये तो 0 हो जाएगा इधर, और इधर देखिए 36 में 6 में से माइनस 36 करिए यानी माइनस 30 हो जाएगा, ये हम पर माइनस 6, ये -6x इधर ही छोड़ दीजिए, -30 उधर भेजिएगा तो प्लस हो जाएगा, और -6 से इसको डिवाइड करिएगा तो कितना बार में जाएगा, 5 बार में, यानी कि 5 बार में, यानी कि x का मान क्या हो गया, -5।
तो देखिए इसका राइट आंसर कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी -5, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले सवाल को देखता हूँ दोस्तों। मैं अगला सवाल अगले वीडियो का पार्ट नंबर में लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए।